हे गाइस, तो आज हम दोबारा लिम्बो स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम में छोड़ा था, और देखते हैं आज हमें क्या नई पजल्स मिलती हैं। वो आज फिर हमारा कालू अपने मैदान में उतर चुका है जंगल में, और हमें एक पजल मिली है। यहाँ पे एक कोई भी पैर जैसा है, मैकेनिकल सा है, ऊपर रस्सी बंधी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। खुल गया, मैं जा रहा हूँ। ओए, आगे बच्चा था, और ये बच्चा इस लीवर से पैर हिला रहा था। तो अभी तक जितना भी हुआ है वो बच्चे ही कर रहे हैं, या शायद बच्चों से कोई करवा रहा है। देखते हैं आगे गेम में क्या होगा। ओ, यहाँ पे एक टायर आया जलता हुआ, मर गया। यहाँ पानी है, तो मेरे ख्याल से मुझे इस पानी में उसको गिरने देना चाहिए, और मुझे पीछे आ जाना चाहिए जल्दी से। ट्राई करके देखता हूँ इसी को। बस इतनी सी पजल थी। ओके, तो बस यही करना था कि जो टायर आया उसको भगाना था अपने पीछे, और ये भी 100% बच्चे ही फेंक रहे होंगे। दो बच्चे हैं। अच्छा जी, एक के खिलाफ दो। कोई बात नहीं बेटा, हाथ लगो। सच में हाथ आ गए ना, दोनों के ना मुंह रगड़ दूंगा कहीं भी ज़मीन में। आ जाओ बस, भाग गए दोनों डरपो। ओए, यहाँ पे तो लाश टंगा रखी इन लोगों ने। बच्चे तो जल्लाद हैं यार पूरे ही। और यहाँ पे मेरे लिए भी कांटे लगा रखे हैं ताकि मैं आगे जाऊँ तो ये कांटा खुल के आके मेरे को लगे। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं बच गया। नहीं बचा, दो थे, मुझे दो नहीं दिखे, पर मैं समझ गया हूँ क्या करना है। एक से तो बच जाऊँगा, दूसरे से भी वैसे ही है। एक ऊपर भागा है बच्चा, और एक साइड में भागा है। पकड़ता हूँ दोनों को मैं। बेटा हाथ आओ, तुम्हें चड्डियों में आग लगा दूंगा मैं। आ जाओ मेरे हाथ, आ जाओ। ओ, रस्सी खींच दी, बड़ा चालू है वो। कोई बात नहीं, एक तो उसका भाई आगे गया ना, अभी उसको बताता हूँ मैं। और यहाँ पे तो काटा था इसलिए मैं रस्सी से आया हूँ। अब मैं इन दोनों भाइयों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, बस मेरे हाथ आ जाए। बेटा फिर बताता हूँ मैं दोनों को। अरे यार, ये मकड़ी क्या है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है। कूद रहा हूँ मैं तो, पानी था आगे, लेकिन इतना लंबा पानी पार कैसे करेगा। शायद ये लकड़ी का टुकड़ा है ये। हाँ, मैं इसको धक्का दे सकता हूँ, कोई बात नहीं। अब आ मकड़ी, देख भाग लूँगा अब तो मैं। बस आराम से धक्का दे के आगे बढ़ा, और बस भागना अब इससे आगे। कालू बेटा, पूरी ताकत लगा के भाग अब तू, भाग ले बस, भाग ले। अरे ये सीसो जैसा बना रखा है, तो दूसरी साइड पे वज़न होना चाहिए तब ये ऊपर होगा। हो गया कालू, भाग। अब ये क्या है, ये लकड़ी का पीस था। कोई बात नहीं, इतनी सी पजल्स। अबे तोड़ दिया मकड़ी ने। अरे गिर गई खुद। इस पत्थर के ऊपर चढ़ के आगे निकल लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं हो रहा। अबे मकड़ी फिर आ गई। वाह यार, क्या बात है, मतलब तुक्के से ही बैठ गया मैं वहाँ पे, मतलब लटक गया और मैं बच भी गया, क्या बात है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, शायद वो बच्चे दोबारा मिलेंगे अब। ये शायद ना मिलें क्योंकि बहुत आगे निकल गए होंगे वो, तो या तो आगे जाकर मेरे लिए कुछ प्लान कर रहे होंगे, एक कैसे भी इसका चटनी भुर्ता कीमा बना दूँ। पर बेटा मैं नहीं बनने वाला, मैं तुम दोनों की चड्डी उतार के आग लगाने वाला हूँ, देखना बस। हाथ लग जाओ मेरे, तो अब कोई नई पजल आ सकती है। वो आगे काटे हैं और वो बच्चे भी मिल गए, और मकड़ी फिर आ गई। तो यार कितनी बेशरम मकड़ी है, मतलब पूरी टांगें टूट गई हैं, एक बची है उस पर भी आ गई रेंगते रेंगते। क्या कर लेगी एक टांग से मेरा। नहीं भैया, ये खर सकती है, क्या फैला के टांग मारी इसने, और इसकी टांग मेरे हाथों में आ गई है। शायद इसकी टांग तोड़ दूँ, और हाँ टांग टूट गई इसकी, और शायद मकड़ी भी मर गई है। चेक कर लेता हूँ, कूद के देखता हूँ।
शायद ना मरी हो तो मर जाएगी। वैसे भी अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, सड़ा हुआ खोपड़ा बचा है बस, ना गंदा खोपड़ा। कोई नहीं, मैं आगे चलता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना। वो नहीं जा सकता आगे क्योंकि कांटों की लेंथ ज़्यादा है, तो शायद इसकी खोपड़ी को सरकाते सरकाते मैं कांटों के ऊपर बिछा दूँ। हाँ यही हो सकता है, और कुछ तो है ही नहीं। कालू घर जाके ना नहा लियो, बहुत गंदी गंदी चीज़ों का हाथ लगाया तूने। चलो अब आगे बढ़े, और कालू का साथी मिल गया, दूसरा काला। सीढ़ी है तो चढ़ के देखें एक बारी, कौए से मिल के आते हैं। कहीं कौवा बिरयानी तो नहीं बनाएगा ये? अरे नहीं, मजाक कर रहा था भाई, तू तोड़ गए डर के मारे। अरे नहीं आती कालू को बिरयानी बनानी, क्यों उड़ गया? खैर छोड़ो, मैं आगे बढ़ूँ। ओ शिट, मुझे पता था ये कूदेगा तो ढह बोल जाएगा, तो मैं आगे ही चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। ओ आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो ऊंचा ज़्यादा है, इतना ऊंची इसकी छलांग भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को गिराना है, और जिस पर कौआ उसकी तार पतली है या रस्सी पतली है तो ये गिर सकता है, और ये गिर भी गया। हाँ तो अब बस इसको जल्दी से लेके जाके इसके ऊपर चढ़ के आगे देखते हैं वो बच्चे दोबारा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बस अब तो उन बच्चों को मारना है, मकड़ी से तो मैंने कितनी बार बदला ले लिया। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है, वो आई रोशनी आई थोड़ी, और पानी भी आया यहाँ पे, और ये क्या चीज़ें हैं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ पे एक कोई जानवर है या शायद कोई बच्चा है मरा हुआ पानी में, तो शायद इसके ऊपर चढ़ जाऊँगा मैं। और अब सामने से कोई आ रहा है, ये शायद वही बच्चे ना हो, पर वो बच्चे झुक के नहीं चलते हैं। खैर जो भी, इस पर कूद सकता हूँ मैं। वे कालू कूदा नहीं सही, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। वो आएगा उसके ऊपर कूदना है, फिर एक और आगे है बच्चा कोई मरा हुआ उसके ऊपर भी कूदना है। लेकिन इसके सर पे क्या है? जो भी हो मैं तो कूद जाऊँ, छोड़ो मुझे क्या है, फैशन होगा। फिर नहीं कूदा कालू। कालू लगता है तुझे सच में भूख लगने लगी है, इस बार ही कूद जाइयो। कूद, चलो इस बार बच गया। तो जो भी है ये मुर्दे अच्छे हैं, काम तो आए। चलो अब आगे चलें, उन बच्चों से दोबारा मिल के आएंगे। ओ सामने ही है ये, रुक जा बेटा, भी बता रहा हूँ मैं तुझे आगे। ओए शिट, मतलब यहाँ पे भी इन लोगों ने मेरे लिए जाल बिछा रखा था कि मैं इस पर कूदूँ और ये जो बड़ा सा पत्थर है मेरे ऊपर गिरे, और नीचे एक रस्सी सी है। मैं समझ गया हूँ क्या करना है, एक मुर्दा ले जाऊँगा उस साइड, उसे रस्सी में गिरा दूँगा, पत्थर उसके ऊपर गिरेगा और मैं आगे निकल जाऊँगा, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा ही होना चाहिए, और हो भी गया। कहाँ गया वो बच्चा? काय का बच्चा यार, शैतान। आजा बेटा, तुझे भी उस पत्थर के नीचे दबा दूँगा। हेलो मिस्टर, आप कौन हो? जो भी हो, शायद आप मरे हुए हो, छोड़ो क्या करना फिर, आगे चलूँ मैं। और कूदो कूदो, एक मिनट, यहाँ पर भी कुछ पजल थी और मैं ऐसे ही निकल गया। भाई सही है यार मेरा, मज़े मज़े में निकल गया था मैं तो, मतलब इसके ऊपर कूदना है और आगे निकल जाओ। गिर गिर, यहाँ नहीं गिरेगा, क्या बात है, एक और पत्थर है। अब गेम वाले इतने तो सीधे नहीं हैं,
जो पहले था दूसरा उसका उल्टा है। और यहाँ पे भी कोई पड़ा हुआ है जिसपे तीर पड़े हुए हैं, शायद बच्चों नहीं मारेंगे। ओ ये यहाँ पे ही हूँ, मुझे भी मार देंगे। मैं जल्दी में नीचे हो गया ताकि उनके तीर से बच जाऊँ, लेकिन कांटे लग गए। कोई बात नहीं, यहाँ का तो मुझे पता चल गया और यहाँ का भी मेरे समझ आ गया। बस अब मैं पीछे जाऊँगा और शायद ये जो पत्थर हैं इनसे ये दब जाएं। लेकिन अगर पत्थर इन नहीं बिछाए होंगे तो नहीं मर सकते, क्योंकि इन्हें अपने प्लान का तो पता होगा। देखते हैं, इन्हें नहीं पता, मतलब शायद मास्टरमाइंड कोई और ही है जो मतलब ये सब कर रहा है गेम में। और मतलब बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चे कर रहे हैं बस, लेकिन जाल कोई और ही बिछा रहा है। खैर कोई भी बिछा रहा हो, मैंने बच्चों को धूल चटा ही दी, बस मेरे हाथों से बच गया। मेरे हाथों में आते तो वही होता, चड्डी आग और भूचाल आ जाता। खैर अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो